टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश अपने मिलिट्री फोर्स यानी सैन्य बल, जैसे आर्मी, नौसेना और वायुसेना आदि की क्षमता के हिसाब से ही ताकतवर या कमजोर माना जाता है। और किसी भी देश की सैन्य क्षमता को मापने के लिए बहुत सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे सैन्य कर्मियों की कुल संख्या, लड़ाकू विमानों की संख्या, युद्धक टैंकों की संख्या, नौसेना की कुल संपत्ति और रक्षा बजट आदि। इन सभी कारकों के हिसाब से ही किसी देश की मिलिट्री फोर्स की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। और इन्हीं मापदंडों के हिसाब से आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्राजील। इस बात में कोई शक नहीं कि ब्राजील हमेशा से ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रहा है, और इसका मुख्य कारण ब्राजील की बेहद शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस हैं। ब्राजील की मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 16,74,500 है। और अगर बात करें ब्राजील के वायुसेना वाहनों की, तो इनकी कुल संख्या 715 है, जिसमें 43 लड़ाकू विमान व 12 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। जमीन पर तैनात ब्राजील की सेना को ताकत देने के लिए 437 युद्धक टैंक व 1820 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी विरोधी सेना की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ये तो हुई जमीन और हवा की बात। अब बात करते हैं ब्राजील की नौसेना के बारे में। ब्राजील की नौसेना में कुल 112 नौसैनिक संपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें 7 युद्ध पोत व 6 सबमरीन्स शामिल हैं। इसके अलावा ब्राजील का डिफेंस बजट 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और यही सब कारण ब्राजील की मिलिट्री फोर्स को दुनिया की 10वीं सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनाते हैं। नंबर 9, मिस्र, इजिप्ट। मिस्र की मिलिट्री फोर्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस में शुमार किया जाता है, और यही कारण है कि हमारी आज की इस लिस्ट में मिस्र का नाम नंबर 9 पर मौजूद है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मिस्र की मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 9,20,000 के आसपास है, जो काफी प्रभावशाली संख्या है। इसके साथ ही मिस्र की मिलिट्री में वायुसेना वाहनों की कुल संख्या 1,054 है, जिसमें 215 लड़ाकू विमान और 81 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। धरती पर मिस्र की सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए 4,295 टैंक और 11,700 आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। और अगर बात की जाए मिस्र की नौसेना की, तो इसमें मौजूद कुल संपत्तियों की संख्या 316 है, जिसमें 8 सबमरीन, 31 युद्ध पोत व 2 विमान वाहक मौजूद है। इसके साथ ही मिस्र का डिफेंस बजट लगभग 83,000 करोड़ रुपए है, जो मिस्र की मिलिट्री को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। 8, यूनाइटेड किंगडम। ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति भली भांति जानता है कि यूनाइटेड किंगडम हमेशा से ही एक बेहद शक्तिशाली देश रहा है, और आज भी इसकी गिनती दुनिया के कुछ सबसे मजबूत देशों में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम के इतने सशक्त होने का मुख्य कारण हमेशा से ही इसकी मजबूत मिलिट्री फोर्स रही है, और आज के समय में भी यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री फोर्सेस के कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 2,75,660 है। अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम के वायुसेना वाहनों की, तो इनकी कुल संख्या 733 है, जिसमें 133 लड़ाकू विमान और 49 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा इस मजबूत सेना के पास कुल 227 टैंक व 5,000 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। हवा और भूमि की तरह ही यूनाइटेड किंगडम पानी में भी काफी मजबूत है, और इसके पास 10 सबमरीन, 13 युद्ध पोत और 2 विमान वाहकों को मिलाकर कुल 88 संपत्तियां मौजूद हैं। इसके साथ यूनाइटेड किंगडम का डिफेंस बजट लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन खूबसूरती के साथ ही फ्रांस दुनिया के सबसे सशक्त देशों में भी शामिल किया जाता है, और फ्रांस की मजबूत मिलिट्री फोर्स पूरी दुनिया में जानी जाती है, इसलिए फ्रांस इस लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद है। अगर बात करें फ्रांस की मिलिट्री फोर्सेस की, सैन्य कर्मियों की, तो इस समय फ्रांस के अंदर लगभग 4,51,635 सैन्य कर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा फ्रांस में हवाई सुरक्षा के लिए 1,229 वायु वाहन मौजूद हैं, जिनमें 269 लड़ाकू विमान व 62 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अगर बात की जाए जमीन की, तो फ्रांस के पास 528 टैंक और 6,028 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। और पानी में फ्रांस की नौसेना के पास कुल 180 एसेट्स हैं, जिनमें 9 सबमरीन और 17 युद्ध पोत शामिल हैं।
और फ्रांस का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए का है। नंबर 6, साउथ कोरिया। ये बात सभी लोग भली भांति जानते हैं कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देशों में से एक है, और साउथ कोरिया को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स का है। इस समय साउथ कोरिया के मिलिट्री फोर्सेस में कुल सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 36,80,000 है, जो इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, और इसलिए इस लिस्ट में साउथ कोरिया नंबर 6 के स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा साउथ कोरिया की वायुसेना में कुल वायुसेना वाहनों की संख्या 1,649 है, जिसमें 414 लड़ाकू विमान और 112 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और इसी प्रकार जमीन पर सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए 2,614 टैंक और 14,000 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। पानी में साउथ कोरिया की नौसेना के पास कुल 234 एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें 22 सबमरीन, 11 युद्धपोत और 2 विमान वाहक भी शामिल हैं। और साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग 3,24,000 करोड़ रुपए है। नंबर 5, जापान। इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के मामले में जापान का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जापान सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स के लिए भी जाना जाता है, और इसलिए इस लिस्ट में जापान नंबर 5 के स्थान पर मौजूद है। जापान के मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 3,03,160 है। और अगर बात करें जापान की वायुसेना की, तो इसमें मौजूद कुल वायुसेना वाहनों की संख्या 1,561 है, जिसमें 279 लड़ाकू विमान व 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। इसके अलावा जमीन पर जापान को सुरक्षा और मजबूती देने के लिए 1,004 टैंक और 3,130 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। और जापान की नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 155 है, जिसमें 20 सबमरीन, 25 युद्धपोत और 4 विमान वाहक भी शामिल हैं। अगर बात करें जापान के डिफेंस बजट की, तो ये रकम लगभग 3.5 लाख करोड़ है। नंबर 4, चीन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे भारत का पड़ोसी मुल्क चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, और चीन को शक्तिशाली बनाती है उसकी विशाल और सशक्त मिलिट्री फोर्सेस। और इस समय चीन की मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 26,93,000 है, और यही कारण है कि चीन हमारे इस लिस्ट में 4th स्थान पर मौजूद है। चीन की हवाई सुरक्षा में कार्यरत कुल वायुसेना वाहनों की संख्या 3,210 है, जिसमें 1,232 लड़ाकू विमान व 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और इसी तरह चीन की सेना को जमीनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3,500 टैंक और 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा पानी में चीन की नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 777 है, जिसमें 74 सबमरीन, 29 युद्धपोत व 2 विमान वाहक भी शामिल हैं। और चीन का डिफेंस बजट 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो इसकी मिलिट्री फोर्सेस को और ज्यादा सशक्त बना देता है। नंबर 3, भारत। दोस्तों, हमारे भारत देश को इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार किया जाता है, और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारी सशक्त मिलिट्री फोर्सेस का है। इसलिए आज हमारा देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस की इस लिस्ट में 3rd स्थान पर आता है। और इस समय भारत की विशाल मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या 35,44,000 है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को शक्ति देने के लिए हमारे पास 2,123 वायुसेना वाहन मौजूद हैं, जिनमें 538 लड़ाकू विमान व 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और जमीन पर भारत की ताकत उसके 4,292 टैंक व 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। और इसी प्रकार पानी में भारत की नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 285 है, जिसमें 16 सबमरीन, 3 युद्धपोत और 1 विमान वाहक भी शामिल है। हमारे भारत का मिलिट्री बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए है। हमारी मिलिट्री फोर्सेस चाइना से बढ़कर है, इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। नंबर 2, रूस। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रूस की मिलिट्री फोर्स को दुनिया के सबसे मजबूत और सशक्त मिलिट्री फोर्सेस में शुमार किया जाता है, और इसलिए हमारी आज की इस लिस्ट में रूस 2rd स्थान पर मौजूद है। रूस की शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 30,13,628 है। और अगर बात करें रूस की हवाई सुरक्षा की, तो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले वायुसेना वाहनों की कुल संख्या 4,163 है, जिसमें 873 लड़ाकू विमान व 531 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसी प्रकार रूस को जमीन पर मजबूती और शक्ति प्रदान करने के लिए उसके पास 12,950 टैंक व 27,038 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा पानी के अंदर भी रूस काफी सशक्त है, और उसकी नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 603 है, जिसमें 62 सबमरीन, 48 युद्धपोत और 1 विमान वाहक भी शामिल है। और रूस का डिफेंस बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए है।
नंबर एक, अमेरिका। दुनिया के सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और अमेरिका को सबसे शक्तिशाली बनाती है उसकी बेहद मजबूत मिलिट्री फोर्सेस। इस समय अमेरिका का मिलिट्री फोर्सेस में सैन्य कर्मियों की कुल संख्या लगभग 22,60,000 है और यही कारण है कि अमेरिका हमारी आज की इस लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो अमेरिका की हवाई सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले वायुसेना वाहनों की कुल संख्या 13,264 है, जिसमें 2,085 लड़ाकू विमान व 967 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा जमीन पर अमेरिका को मजबूती प्रदान करने के लिए 6,289 टैंक व 39,253 आर्मर्ड व्हीकल्स भी मौजूद हैं। इसके साथ ही पानी में भी अमेरिका काफी ताकतवर है और उसकी नौसेना के पास मौजूद कुल एसेट्स की संख्या 490 है, जिसमें 66 सबमरीन, 11 युद्ध पोत और 20 विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। और अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग 55,00,000 करोड़ रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।